ये सब बातें बड़े स्पष्ट रूप से कही गई है। गाय को पूजनीय नहीं माना है, गाय को पूजनीय मानने का सिलसिला तब बना है जब हमारी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि में हमें गाय बड़ी जरूरी थी। उत्तरी भारत के मैदानों में गाय का दूध के, बड़ा, दूध के लिए भी तो दूध सह के लिए लीजिए, माँ का दूध के लिए दूसरा भैंस रूप ही भी होगी। है बेचारी गाय का। गोमूत्र है, गोमूत्र बहुत अच्छा होता है, गोबर पतंजलि का कमाल है। नहीं, गाय के, देखिए गोमूत्र का तो बहुत पुराना इतिहास रहा है, बच्चे के लिए बहुत पुराना गाय का दूध ही, बच्चे के लिए गाय का दूध ही है। आस्था के सवालों पर, ये आस्था का नहीं कर सकते, ये आस्था का नहीं, ये गाय गाय का दूध बच्चे के लिए पालन के लिए बहुत जरूरी है। करूंगा आप कर लेंगे, मैं हिंदू होते हुए भी इनकार करूंगा इस बात से। जैसे मार्कंडेय जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बयान के मुताबिक कह रहा हूँ, वो नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर वेदों को मानता हूँ, मैं उपनिषदों को मानता हूँ, मैं पुराणों को मानता हूँ, संस्कृति को मानता हूँ, मैं आचार संहिताओं को मानता हूँ, तो मैं इतिहास के उस संस्कृति के उस पक्ष को बिल्कुल ठीक से समझ रहा हूँ। ये जो मान्यताएं बनी है जिसको लेकर के आज चर्चा की जा रही है, जो आज आस्था का प्रश्न बना है, वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का अपना जमाने का सिलसिला है, ये सामान्य सिलसिला नहीं था। कभी भी साउथ में साउथ के साउथ में लगातार जो भोजन हो रहा था वो हो रहा है, नॉर्थ में जो भोजन हो रहा था अल्पसंख्यकों के ऐतराज के बाद में जो हो रहा था तो भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में इनको लेकर के कभी विवाद नहीं हुआ, ये विवाद अब पैदा किए जा रहे हैं कि गोरख गाय की रक्षा की जानी, गाय की, अगर गाय पालतू है अपने आप ही रक्षा हो रही है, वो मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी पालता है, ये तो बात स्थिति में ये विवाद। लेकिन जो कुछ केरल में हुआ इस नाराजगी के साथ में, आप विवाद के साथ में, तो ये जो प्रयास किया है ये अपने आप में बड़ा घृणित था, घिनौना था, ये नहीं होना चाहिए। मैं सनी जी की एक बात कहना चाहती हूँ। सनी जी ने कहा गाय पूजने नहीं है, देखिए लोगों में जागृति, आपने कहा ना कि पूजने नहीं, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गाय के बड़े हामी है। नाम बोलिए फिर से, मैं भूल जाता हूँ उनका नाम, वीर सावरकर। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी आत्मकथा में कहा है गाय पूजनीय नहीं है, गाय पालतू है। नहीं, देखिए देखिए, पूजनीय इसलिए है कि गाय का जो दूध है बच्चे के लिए सबसे श्रेष्ठ है, वो माँ का रूप हमने इसीलिए दिया, इसीलिए हम वो पूजनीय मानते हैं। जब हम माँ को भी पैर छूते पूजा करते हैं, माँ को पूजनीय मानते हैं, तो गाय के दूध में, नहीं गाय के दूध में भैंस के दूध में बहुत फर्क है। गाय का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे नहीं, काली में नहीं भैंस। आप बच्चे के दूध के तत्व की बात करिए, कौन सा दूध बच्चा, बच्चा गांधी जी तो बकरी का दूध पिया करते थे, भैंस का दूध बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, भैंस का बकरी का तो कर सकता है, बकरी का ठीक है, लेकिन बच्चे को कितने, तो काट के खा जाते हैं। कितनी क्वांटिटी में, कितना कितनी क्वांटिटी में बकरी का दूध आता है, गाय का जो क्वांटिटी होती है वो इसलिए तो बात है। विकास का, चलिए मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में एक राष्ट्र एक कानून, जिन राज्यों के अंदर बीफ को बहुत ही बिल्कुल एक कॉमन बात मान के चलते हैं, गोवा जैसे प्रदेश के अंदर वहाँ कहा ही जाता है कि बिल्कुल मांसाहार के लिए जाना जाता है, वहाँ लोग बहुत सारे एक तरह से फूड एंजॉय करने ही, केरल की पोजीशन यही है, केरल की स्थिति यही है, तो ये सब चीजें हैं, ये किस तरह से सब कुछ हो पाएगा? और क्योंकि प्रतिबंध लगाना, आदेश देना और सरकार के उस आदेश की अवहेलना होना, मुझे लगता है कि ये भी एक कंट्रोवर्सियल इश्यू है, और या तो लागू होना चाहिए, राज्यों से सहमति बने, या फिर पार्टी स्तर पे ठीक से चर्चा हो, उन राज्यों जहां पर ये प्रचलन में है वहां के नेताओं से इस पर चर्चा की जाए। तो ये एक आदेश तो जारी कर दिया और ऐसे मौके पे किया, इसको लेकर के भी सवाल उठे। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि ये मुहूर्त रमजान में के रमजान के दौरान ही क्यों निकला, नहीं ये पहले से ही चल रहा है, पहले से यूपी में और केंद्र सरकार पहले से ही कहती रही है गो हत्या के, तो हमेशा से भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, हाँ एजेंडे में शुरू से है, ये पहले से ही एजेंडे में गो हत्या को हम बंद करेंगे, तो उसी के तहत लागू किया है। ये कोई रमजान से कोई मतलब नहीं है, भी थोड़ा सा कंट्रोल करें क्योंकि यूपी में इन्होंने उपद्रव मचा दिया। नहीं, बिल्कुल आप सही, छोटा सा सवाल हो रहा है सभी से, सभी लोग कह रहे हैं कि गाय के प्रति एक संवेदना है, गाय के प्रति हम सबकी हमदर्दी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि गाय दुधारू पशु है, उसके दूध के, चले आपने कहा कि पौष्टिक होता है, बच्चों के लिए भी ठीक होता है, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देगी उसके बाद उस गाय का क्या होगा? कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे स्थितियां बनी हुई है कि गौशालाएं बहुत हैं कि आप दूध नहीं देगी अब ये गाय, तो चलो उसके बाद में हम वहां पे उसको रखने के लिए भेज देंगे। उन इस तरह के आश्रमों का क्या होगा कि जहां पे है ही नहीं है, क्योंकि
हमारे यहाँ पे समाज में इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे कहते हुए कोई डर भी नहीं है कि बहुत स्वार्थी समाज है। जितने दिन तक गाय दूध देती है जयपुर की गलियों में मिलेगी, रात को दूध धोते हैं, सुबह रात भर बिचारी वो पॉलिथीन खाती हुई मिलती है, कूड़े में मुंह मारती फिरती है और सुबह उसके दूध होने के लिए फिर वापस आ जाते हैं। तो स्वार्थ नहीं तो क्या है, उस स्थिति की सोचिए। जब दूध दे रही है तो उसे कचरा खाने को मजबूर कर रहे हैं, जब दूध देना ही बंद कर देगी, एक लिमिट होती है उसकी भी, उस सीमा के बाद में उस गाय माता का क्या होगा। देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत सही बात की है, इसी बात को ध्यान रखते हुए जब गायें दूध देना बंद कर देती हैं, जो एक तरह से कहें कि बुढ़ी हो जाती हैं, और जो लोग उनको चोरी छुपे कटने के लिए ले जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम ऐसी हजारों गौशालाएं बनाएंगे जिनमें जो दूध ना देने वाली गायों को रखा जाएगा। अच्छी बात है, मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मोदी जी अगर एक काम कर देते कि उसके लिए जमीनें अलॉट करा देते, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये प्रतिबंध आ रहा है, ये आपकी फंडिंग आ रही है, लैंड अलॉट करिए गायों को, बिल्कुल इसी दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है, राज्य सरकारें भी इसी दिशा में काम कर रही है। बात को मैं यही काट रहा हूं, जी आपकी राजस्थान में सरकार है, भाजपा की आपकी सरकार है, 30,000 गाय हिंगोनिया गौशाला में पानी और चारे के अभाव में मृत्यु को भेंट हो गई। आपकी सरकार सोती रही, कांग्रेस का शिष्टमंडल खातिर रिवाज के गया, हम लोग उस शिष्टमंडल में थे तो वहां पूरा का पूरा ट्रक भरा हुआ गायों का जा रहा था, हमने उसकी फोटोज खींची, वीडियोज बनाए, तब तो ये सरकार पूरा नेशन का पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना कि राजस्थान में 30,000-35,000 गाय हिंगोनिया गौशाला की आपने मृत्यु को भेंट कर दी। और सिर्फ उनका गलती इतनी थी कि सरकार में भ्रष्टाचार था, खुद आपके चेयरमैन वहां के देहल साहब कह रहे थे कि यहाँ पे चारे में गड़बड़ है, मेयर के भ्रष्टाचार है, और पानी वहां पे गंदा पानी पीने को मजबूर थी, पूरा चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी थी, गायें फंसी हुई थी। योगेंद्र जी, गायों की मृत्यु हुई है, रोग नहीं पाए, हजारों गाय मृत्यु होती रही, ये सरकार सोती रही, और लास्ट में अक्षय पात्र फाउंडेशन को इनको देना पड़ा, इन्होंने जिला प्रशासन को दिया, कलेक्टर को दिया, इन्होंने गोपालन विभाग को पूछा, कोई विभाग इनका सक्सेस नहीं हो पाया, अंतोगत्वा इनको प्राइवेट देना पड़ा, तब जाके मृत्यु दर कुछ कम हुई। मेरी बात सुनिए, आज ये सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें छील गई, मोदी सरकार की बात कर रही है, आपकी सरकार पे आपके तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि जो गोपालक है ये सब चोर है, ये रात को कोई धंधे तो करते हैं, करते हैं। सबके लिए उन्होंने कहा जो लोग हैं, देखिए आप ऐसा मत फेंकिए, मैं इनकी बात का, मैं इनकी बात की बात, ये प्रधानमंत्री जी के बयान थे, हमारे बयान नहीं थे, मेरी बात सुन लीजिए, हमने कभी गो रक्षकों को गोपालकों को कभी गलत नहीं बोला। देखिए प्रधानमंत्री की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, सही कहा उन्होंने कि ज्यादातर गो सहायक जो सेवकों के आड़ के अंदर लोग गोरख धंधा बना लिया उनपे लगाम लगनी चाहिए, क्या गलत कहा, सही कहा उन्होंने। देखिए योगेंद्र जी इनकी बात का जवाब आप देना चाहती हूँ, सबसे पहले तो जो आंकड़े दे रहे हैं ये इनके जो ज्योति खंडेलवाल मेयर थी उनके आंकड़े आप देख लीजिए, इससे दुगने तिगने। दूसरी बात, वो 70,000 पे हैं, देखिए नहीं ये गलत पूरी है ना, पूरी गौशाला गंदगी से भरी हुई थी, पूरी बात कीचड़, आधे आधे पैर तक कीचड़ था, गाय फंसी हुई थी। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, सवाल ये है कि क्या वास्तव में कानून हम बनाते हैं गाय बहुत सारे लोगों के लिए एक पालक है वो, और मैं तो कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो आज बहुत सारे परिवारों के लिए रोजगार का एक साधन भी होती है। लेकिन जो एक सवाल ये उठ रहा है कि जब गाय दूध देना बंद करेगी, उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं, मुश्किल से ऐसे कुछ परसेंटेज लोग होंगे कि जो गाय के अंतिम वक्त तक अपने खूंटे से नहीं जाने देते हैं, वो मरेगी जब भी उसके परिवार से अलग होगी, लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि समाज बहुत स्वार्थी है, जब दूध देने के बाद में जब वो बिल्कुल, ओम जी कह रहे थे कि बाखड़ी होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, गौशालाएं बनाइए, फिर अगर अध्यादेश आता है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा हो, लेकिन स्थिति सुधारने के लिए पैरेलल आपको सिस्टम भी बनाना होगा, और जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तो हम चर्चा करते रहेंगे और किसी तरह के विरोध सामने आते रहेंगे, कभी कोई इसको मुद्दा बनाता रहेगा, और एटलीस्ट ये होना चाहिए कि कम से कम समाज से जुड़े इन चीजों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक समग्र रूप से सबको साथ लेकर के, जैसे कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, गौ माता का विकास तभी होगा जब एक रूट लाइन भी तय होगी कि गाय आखिर जाए कहां, उसके लिए आप तय तो करिए कि जाएगी कहां पे वो गाय जब दूध देना बंद करेगी, तो इस रूट पे अगर आएंगे तो मुझे लगता है काफी बेहतर होगा। खैर सरकार सोचती है, अच्छा ही सोचती है, लेकिन उससे पहले भी हमने 80 सोच के परिणाम को लेकर के बात की, और एक बार फिर बात की कि गाय का होगा क्या,
उसको लेकर के सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। प्रतिबंध बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रूट लाइन को भी तय करें कि गाय के लिए गौशालाएं हो, जमीन आवंटित तो फंड हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में से इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।